हाँ जी, अज का अपना जो टॉपिक है वह है एक्सरसाइज 5 यूक्लिड की ज्यामिति। पिछली बार तुसी यूक्लिड दियां कुछ परिभाषावां कुछ धारनावां जिहड़ियां ने वह पढ़िया सीगियां ते अपनी कापी च नोट कीतियां सी। अज आपां उन्हां धारनावां दे नाल संबंधित कुछ सवाल ने जिहड़े वह हल करांगे। पहला है, हेठ लिखियां विचों किहड़े किहड़े कथन सच हन, अपने उत्तरां लई कारण दसो। पहला है, एक बिंदु तो होके सिर्फ एक ही रेखा खिंची जा सकती है, तो यह कथन की है? झूठ है, क्योंकि आप इत्थे देख सकते हैं भी एक बिंदु दे विचों किन्नियां ही रेखावां लंघ रही ने, अणगिणत रेखावां। सो असी लिखना भी यह कथन झूठ है, फिर असी दसना भी अणगिणत रेखावां खिंचियां जा सकदियां ने, नाल चित्र बना देना। दूसरा है, दो वख-वख बिंदुआं विचों होके असंख रेखावां निकलदियां हन, तो यह कथन भी झूठ हैगा, क्योंकि दो जिहड़े बिंदु ने अलग अलग उन्हां मिलाउण वास्ते एक ही लाइन जिहड़ी आ खिंची जा सकती है। जे मैं लाइन इधर नूं मिलाऊंगा इधर नूं मिलाऊंगा तो वह आपस च नहीं मिलणगे, तो इक्को ही लाइन दे नाल ये मिल सकते ने। ठीक है, अगला है, एक शांत रेखा दोनों पासे अनिश्चित रूप च बधाई जा सकती है, ये भी सही है, कथन सच है, क्योंकि एक लाइन होवे उन्हों असी दोने पासे चाहे इधर नूं बधा लीए जिन्ना मर्जी, चाहे इधर नूं बधा लीए जिन्ना मर्जी। अगला है, जेकर दो चक्कर बराबर हैं तो उन्हां दे अर्ध व्यास भी बराबर होंदे हन। हाँ जी, जे दो चक्कर बराबर ने तो मतलब वह इको जिडे ने, जे एक चक्कर नूं आपां दूजे दे उत्ते रखांगे वह पूरा पूरा ढक लूगा, एक दा केंद्र दूजे दे केंद्र ते आऊगा, है ना, एक दा घेरा दूजे दे घेरे नूं ढक लूगा। तो यही गल लिखी हुई है भी कथन सच है, जे वह बराबर ने तो एक दूजे नूं ढक लैणगे, मतलब संपाती होणगे, संपाती जिहड़े बिल्कुल इको जिहे होण, तो फिर जदों वह एक दूजे नूं ढक लैणगे तो उन्हां दे केंद्र ते अर्ध व्यास भी इको जिन्ने ही होणगे। फिर वह कहिंदे ने कि चित्र विच तीन लाइनां ने गियां ए बी पी क्यू एक्स वाई, ए बी पी क्यू दे बराबर है, पी क्यू गाहां एक्स वाई दे बराबर है, तो असीं दसणा है भी ए बी ते एक्स वाई भी बराबर। देखो आह इहदे बराबर है, आह इहदे बराबर, इहदा मतलब आ दोने आ एक्स वाई ते आह इहदे बराबर ने ना पी क्यू दे, तो फिर ये आपस भी बराबर होंगे। जे थोड़े को तीन सोटियां ने, एक सोटी का नंबर एक है, दूसरी का दो है, तीसरी का तीन है, जे पहली सोटी भी तीजी के बराबर है तो दूजी सोटी भी तीजी के बराबर है, तो फिर पहली तो दूजी भी तो आपस बराबर ही होनगियां, क्योंकि उन्होंने लंबाई की है इको जिनी है। तो यह कथन जिहड़ा सच हैगा, यूक्लिड की धारणा यह कहती है कि जे दो चीज़ा एक ही चीज़ के बराबर ने तो वह आपस में भी बराबर होंगे। तो अगे कुछ परिभाषावां ने गियां, समांतर रेखा की परिभाषा है, वह रेखावां जिहड़ियां दोने पासे वधाउण ते आपस विच नहीं कटदियां। ठीक है, जिवें रेल गड्डी दियां लाइनां हुंदियां ने, जिवें आ कापी दे उत्ते आ लाइनां लगियां होईयां ने, है ना, इन्हां लाइनां च फासला देखो इको जिन्ना ना, कितों इह ज़्यादा जां घट नहीं है, तां इस तरह दियां लाइनां जिहड़ियां जिन्नियां मर्जी इधर नूं वधा लो चाहे इधर नूं वधा लो आपस च कटदियां नहीं हैगियां, फासला उन्ना ही रहूगा, तां इह की हुंदियां ने समांतर लाइनां। फिर है लंब रेखावां, लंब रेखावां कड़ियां होंदियां ने जिन्हां दे आपस दे विच 90 डिग्री का कोण बनिया हुंदा है। ठीक, दो लाइनां जिन्हां दे विच 90 डिग्री का कोण बनिया हुंदा है वह की हुंदियां ने, लंब रेखावां हुंदियां ने। हाँ जी, लंब रेखावां 90 डिग्री का कोण बनाउंदियां ने, जिवें मैं इत्थे एक ऐ लाइन खिंचदा, एक ऐ लाइन खिंचदा, आ कोण इन्हां च 90 डिग्री का है, तो आ जिहड़ियां दोनों लाइनां ने पी ओ क्यू ते ओ पी एक ही ने, लंब रेखावां ने। हाँ जी, इहदे अगे आ रेखाखंड, रेखाखंड की हुंदा हैगा, दो बिंदुआं दे विचकारली सीधी दूरी, जिवें आपां इत्थे देखिया, देखो दो बिंदु ने क्यू ते पी, इहनां दे विचारली जिहड़ी दूरी है वह की हुंदी है, रेखाखंड। अगे अर्धव्यास, अर्धव्यास की हुंदा हैगा, किसी चक्कर दे केंद्र तों उहदे घेरे तक की दूरी, जिवें भी आ चक्कर है, चक्कर दा आ केंद्र है, केंद्र तो लैके इहदे घेरे तक जिहड़ी आ लाइन है ये की है, अर्धव्यास। वर्ग, वर्ग की हुंदा है, चतुर्भुज हुंदी है, इहदियां चारे भुजावां बराबर हुंदियां ने, ठीक है, विकर्ण भी बराबर हुंदे ने, सारे कोण 90 डिग्री दे हुंदे ने, चौरस डब्बा हुंदा इस तरीके नाल, सारियां भुजावां बराबर हुंदियां ने, विकर्ण आ काटी वालियां ये भी बराबर हुंदियां ने, कोण भी जिहड़े ने उह 90 डिग्री दे हुंदे ने।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु ने ए ते बी, उन्हां दे विचाले एक बिंदु है सी, ठीक है, ए सी ते बी सी जिहड़े ने उह बराबर ने गे, उम्मीद तो थोड़ा जिहा इधरले पासे बन गया है, सो चित्र दे अनुसार ए सी ते सी बी बराबर ने, असी सिद्ध करना है भी ए सी जिहड़ा ए बी नालों अद्धा हैगा, ठीक है, तां असी लिख लिया भी ए सी ए बी सी दे बराबर है, दित्ता होया सानूं इह दोने पासे असी की किया एसी जोड़ता, इधर भी इधर भी देखो एसी जोड़ता, एसी इधर जोड़ता, एसी ही इधर जोड़ता, तो बराबर चीज़ के जो बराबर चीज़ जोड़ांगे तो आंसर बराबर ही आऊगा ना, जे आप दो ते दो बराबर ने तो दोनों पासे तीन तीन जोड़ दिए तो पांच पांच आ जाऊगा बराबर बराबर, तो फिर एसी एसी जोड़िया, देखो जो बी सी दे एसी जोड़ांगे तो पूरी लाइन बन जूगी ए बी बन गई, बी सी दे एसी जोड़ के ए बी बन गई, ए सी नू ए सी जोड़ांगे दो बारी ए सी बन जूगा, आ दो इधर जाके भाग हो गया, ए सी बराबर एक बटा दो ए बी आ गया, यही आपां सिद्ध करना सीगा। देखो अगे है ए सी बी डी दे बराबर है, सिद्ध करना ए बी सी डी दे बराबर है, आ चित्र बनिया होयागा, तो ए सी बी डी दे बराबर है सिद्धा होया सानू, दोनों पासे असी की करांगे आ बी सी घटा दांगे, इन्ना दोनों पास्यों उपर की करे असी जोड़िया सी थले घटा देंगे, उही लाइन लिखांगे बराबर चीज चो बराबर घटाउण ते नतीजे बराबर रहिंदे, तां हुण देखो ए सी दे विचों इधरले पास्यों भी बी सी घटाया है, बी डी दे विचों भी बी सी घटाया, तां जदों बी सी घटावांगे पहलां तां ए सी दे विचों बी सी घटावांगे ना, इन्ना हिस्सा घटा देंगे की रह जूगा ए बी, इधर बी डी दे विचों जदों बी सी घटावांगे इन्ना रह जूगा सी डी, तां ए बी बराबर सी। हाँ जी, लास्ट जिहड़ा क्वेश्चन है वह है कि यूकलिड की पंजवीं अवधारणा तो समांतर रेखावां की होंद का पता लगता है, पंजवीं अवधारणा कहती की है, पहला तो आप देखिए पंजवीं अवधारणा ये कहती है कि जे दो लाइना ने इस तरह दियाँ, उन्होंने एक लाइन कटती है तो जेड़े वो एक पासे के अंदरले कोण ने, एक पासे मतलब इधरले पासे आ दो अंदर ने, दूजे पासे आ दोनों अंदर ने, नाम मैं रख दिना तीन ते चार, एदा एक ते दो, आ दो लाइना ने इन्हां नूं एक लाइन ऐ कट दी है, जे इहदे लाइन दे एक पासे दे अंदरले कोणां दा जोड़ जिधरले पासे 180 तों घट होऊगा, ठीक है, उधर नूं तां इह लाइनां नूं जदों वधावांगे तां इह घट जाणगी, है ना, वधाए ते, पर जिधरले पासे इन्हां कोणां दा जोड़ 180 तों वध होऊगा उधरले पासे नूं जे वधावांगे तां फिर लाइनां नहीं कटदियां, देखो तुसीं आप देख लो आ तां वधी जाणगियां ना, कटदियां नहीं कितें जाके, होर खुल्लियां हो जाणगियां, पर इधरले पासे इन्हां दा जोड़ 180 तों घट है, जदों इधर नूं होर वधावांगे तां इह कितें ना कितें जाके कट जाणगियां, तां इह पंजवीं अवधारणा यूकलिड दी कि जे दो लाइनां नूं इस तरह एक लाइन ऐ कटदी होवे तां जिधरले पासे दे अंदरले कोणां दा जोड़ 180 तों छोटा होऊगा उधर नूं वधाउण ते लाइनां कटणगियां, दूए पासे नूं नहीं कटदियां, पर जे यह बराबर होवे 180 दे ना वध होवे ना घट होवे, इन्हों का जोड़ भी 180 होवे इन्हों का भी 180 हो, फिर की होगा, फिर यह लाइना जिधर नू मर्जी वधा लो कट दियां ने, जिवें आ कापी दियां लाइना ने गियां, है ना, तो देखो दोनों इन्हां च फर्क सारे कितें इक्को जिहा है, कितें नहीं कट दियां जिधर मर्जी वधा लो, तो यह की हुंदियां ने इस तरह दियां लाइना समांतर, तो फिर ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋੜ 180 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 180 ਹੈ, 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 180 ਹੈ।